जय हिंद दोस्तों। देखिए, एक समय था जब देश में किसी को मिडिल क्लास टाइप का कहना बुरा माना जाता था, लेकिन आज इसी मिडिल क्लास टाइप का देश की आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सा है। जिस शब्द से पहले किसी का मजाक उड़ाया जाता था, आज वह शब्द एक स्टेटस सिंबल बन गया है। चाहे शहर में नौकरी करने वाले लोग हों या फिर एक गाँव में रहने वाले किसान, आज ये सभी खुद को बड़े शान से मिडिल क्लास का बताते हैं। आज जिस तरह से देश में मिडिल क्लास की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी तरह उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसी मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं। अब चाहे आप MSFG कंपनियों को देख लो या कोई और सेक्टर की, सबको आज मिडिल क्लास की पावर का पता लग रहा है। और आज की जो मिडिल क्लास है ना, वो पहले वाली मिडिल क्लास वाली फैमिली नहीं रही है। हाँ, एक समय था जब मिडिल क्लास की आदत रहती थी सेविंग करने की। पेरेंट्स अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी वगैरह के लिए पैसों की सेविंग किया करते थे। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जिसे हम मिलेनियल या जनरेशन जेड कहते हैं, खास करके जो 1990 के दशक के बाद की पीढ़ी है ना, उनकी पैसों की बचत को लेकर एक अलग सोच है। ये जनरेशन एक शब्द का यूज करती है, YOLO, यू ओनली लिव वंस। इनका मानना है कि भाई जिंदगी केवल एक बार मिलती है, और इसी सोच के चलते ये बेहतर कल के लिए सेविंग करने के बजाय बेहतर आज के लिए पैसे खर्च करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। इस जनरेशन को जो चीज पसंद आती है ना, उसे खरीदने के लिए वो पैसे खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं डरती है। ये हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन के जैसे नहीं है कि एक चीज को खरीदने से पहले 10 बार सोचे, बल्कि ये जनरेशन प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने पर 2 बार भी नहीं सोचती है। अगर पसंद आ गया तो खरीदना ही है। और खासकर कोरोना के बाद में ये सोच ज्यादा पॉपुलर हुई है। अब ये तो आपको पता ही है कि कोरोना के 3 साल हर किसी के लिए एक बुरे सपने के जैसे रहे हैं, और काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खास लोगों को इस बीमारी में खोया होगा। तो उसी के बाद इस नई जनरेशन की ये सोच बनी है कि जिंदगी का कोई अता पता नहीं, जिसे आने वाले कल के लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं, पता नहीं वो कल आएगा भी या नहीं, तो जो कुछ भी करना है वो अभी करना है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से इंडियन इकोनॉमी में प्रीमियमाइजेशन का रुझान बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की प्रीमियम आइटम्स खरीदने की जो ख्वाहिश है वो कम नहीं हो रही है। और जिस चीज में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, उसे मास्टीज सेक्शन कहा जाता है, यानी कि जो मिड मार्केट और सुपर प्रीमियम कैटेगरी के बीच के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसे मास्टीज सेक्शन कहा जाता है। आज के मिडिल क्लास को हर चीज प्रीमियम कैटेगरी की चाहिए, चाहे कार खरीदनी हो या मकान खरीदनी हो, रेफ्रिजरेटर खरीदना हो या टेलीविजन खरीदना हो, लंबी यात्राओं पर जाना हो या 5-स्टार होटलों में रुकना हो, यानी हर उस चीज पर वो ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार है जिससे उनकी जिंदगी आसान होती हो। तो यही वजह रही है कि कोरोना के बाद जहां कई यूरोपियन देश मंदी का सामना कर रहे थे, उसी समय इंडियन इकोनॉमी तेजी से वापस ट्रैक पर लौट आई थी। इंडिया का स्टॉक मार्केट राइज हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अच्छा बाउंस बैक किया है, और इंडिया की इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है। तो इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी से देश के लोगों के मन में भी एक विश्वास पैदा हुआ है। आज इंडियन कंज्यूमर अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि चाइना के लोगों के मुकाबले फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाई जो आज की ये मिडिल क्लास फैमिली है, वो कौन सी प्रीमियम चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, और इस मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है। चैप्टर 1, डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। अब देखिए, मिडिल क्लास की कोई एक परिभाषा नहीं है, अलग अलग जगह पर आपको कई अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिल जाती हैं। जो भी इकोनॉमिस्ट और रिसर्च सेंटर होते हैं, वो मिडिल क्लास की गिनती के लिए उस देश की इन्फ्लेशन रेट, वहां पर रहन सहन में होने वाले खर्चे आदि चीजों को ध्यान में रखकर मिडिल क्लास को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हर देश की मिडिल क्लास की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। अगर हम अमेरिका और यूरोप के फॉर्मूले को अपने देश में अपनाएं, तो अपने यहाँ के जो मिडिल क्लास अभी जो बन रही है ना, उनके पैमाने पर तो ज्यादातर गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो अपने यहाँ पर जो लोग बहुत ही गरीब नहीं है, उन्हें भी मिडिल क्लास में मान लिया जाता है। और देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिडिल क्लास का, ये पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था। पहले के जमाने में देश में केवल 2 ही कैटेगरी हुआ करती थी। पहली कैटेगरी, जिसमें शासक हुआ करते थे, और दूसरी कैटेगरी प्रजा, जिसमें किसान और मजदूर वर्ग आता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए, तो एक नई कैटेगरी का जन्म हुआ। ब्रिटिशर्स ने यहां पर अपना एजुकेशन सिस्टम लागू किया, तो किसान और मजदूरों के बच्चों ने पढ़ लिख करके अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू किया। जैसे कि वो उनके लिए क्लर्क बन गए, आर्मी में भर्ती हो गए, मोटे अफसर बन गए, टीचर बन गए, वकील बन गए। तो इस प्रकार के लोगों ने देश के अंदर मिडिल क्लास की नींव रखी। 1947 में ऐसे लोगों की संख्या देश में केवल 2% थी, लेकिन फिर जैसे जैसे देश में आर्थिक तरक्की होती गई, तो गरीब और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख करके मिडिल क्लास में शामिल होते गए। अब भारत को लेकर पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी, उसका किया हुआ एक सर्वे है। इस सर्वे में 4 कैटेगरी बताई गई है, रिच इनकम क्लास, मिडिल इनकम क्लास, लोअर इनकम क्लास, और सबसे नीचे वंचित कैटेगरी। अब देखो,
जिन परिवारों की सालाना इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है उन परिवारों को रिच इनकम क्लास कहा गया है। उसके बाद जिन परिवारों की इनकम 5 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में है उन्हें मिडिल इनकम क्लास कहा गया है, और जिनकी इनकम 1.25 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में है उन्हें लोअर इनकम क्लास कहा गया है, और जिनकी इनकम 1.25 लाख रुपए से भी कम है उन्हें सबसे नीचे की कैटेगरी में रखा गया है। इस सर्वे में बताया गया है कि भारत की 30% आबादी मिडिल क्लास की है, यानी कि उस फैमिली की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए के बीच में है। अब देखो, साल 2004 में देश की आबादी में मिडिल क्लास का हिस्सा केवल 14% था, और 2021-22 तक ये दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है, यानी कि 30% हो चुका है। यानी मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है, और अब अनुमान तो ये भी है कि भाई 2047 तक देश की 63% आबादी मिडिल क्लास की होगी। यानी 1947 में कहां हम 2% पर थे, और उसके फिक्स 100 साल बाद 63% पर पहुंच जाएगी। अब इन 30% लोगों की बात करें तो देश की इकोनॉमी का भार भी यही आबादी उठाती है। इनसे होने वाली आमदनी है 50%। इसी तरह कुल खर्चे में भी इस क्लास की हिस्सेदारी 48% है। और अगर सेविंग्स की बात करें तो मिडिल क्लास को देश की तिजोरी भी कहा जाता है, क्योंकि देश में होने वाली टोटल सेविंग्स में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी 56% है, और देश का 50% टैक्स भी यही आबादी देती है। यानी आप देखें कि देश की आमदनी हो, चाहे खर्चे हो, चाहे बचत हो या टैक्स हो, इन सभी की आधी जिम्मेदारी मिडिल क्लास के कंधों पर ही है। और जब कभी देश पर संकट आया है तो इस मिडिल क्लास ने ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। जैसे कि 2008 में जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई थी, तब मिडिल क्लास फैमिलीज जो अपने पैसों को सेविंग के तौर पर बैंक अकाउंट में जमा करा के रखते हैं और अपने गहनों को लॉकर में जमा करा के रखते हैं, तो मुश्किल वक्त में इन चीजों ने ही अर्थव्यवस्था को ताकत दी थी। अब अगर रिच इनकम क्लास की बात करें तो प्राइस का सर्वे बताता है कि देश के 3% घर रिच कैटेगरी में आते हैं, यानी इनकी इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है। 1994-95 में भारत में सुपर रिच घरों की संख्या मात्र 98,000 थी, लेकिन 2020-21 का डेटा बताता है कि देश में 18 लाख परिवार सुपर रिच कैटेगरी में आ चुके हैं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर सिटीज हैं नागपुर और सूरत। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिच फैमिलीज पाई जाती हैं। देश में महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है, जहाँ पर लगभग 6,40,000 घर सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहाँ पर 1,81,000 परिवार सुपर रिच परिवार है। तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। देश की टोटल इनकम में इनका योगदान 23% का है, और देश की टोटल सेविंग्स में ये 43% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब बात करते हैं उस आबादी की जो देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वो है लोअर मिडिल क्लास। ये कुल आबादी का 54% है, जिनकी कमाई 1.25 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है, लेकिन देश की कुल आमदनी के मामले में ये मिडिल क्लास से नीचे ही है, और केवल 25% का ही योगदान देते हैं, और खर्चे में 32% का योगदान करते हैं, और सेविंग्स की तो बात ही मत करो, देश के टोटल सेविंग में ये केवल 1% का हिस्सा ही रखते हैं। तो अब बची है देश की सबसे नीचे की कैटेगरी, ये टोटल आबादी में 13% है। देश की टोटल आमदनी में इनका 2% का हिस्सा है, और खर्चे में 3% का, और बचत में इनका हिस्सा होता है 0। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिडिल क्लास की, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और देश में प्रीमियमाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि जैसे जैसे मिडिल क्लास के लोगों की संख्या बढ़ेगी तो भारत की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जाएगी। अभी भारत की पर कैपिटा इनकम करीब 1,70,000 है, और 2046-47 तक ये बढ़कर करीब 14 लाख तक पहुंच जाएगी, ये SBI की रिसर्च रिपोर्ट बताती है। और न केवल मिडिल क्लास की आय बढ़ेगी, बल्कि इसके साथ ही साथ जो नीचे की कैटेगरी है उन लोगों की आय में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज की संख्या कैसे बढ़ रही है, ये इनकम टैक्स के एक डेटा में भी कन्फर्म होता है। 2023 में इनकम टैक्स का एक नया रिकॉर्ड बना। 2023-24 में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। करीब 10 साल पहले 2014 में ITR भरने वालों की संख्या केवल 1.5 करोड़ लोगों के आसपास थी। SBI की रिसर्च कहती है कि 2022-23 में वर्कफोर्स का केवल 59% हिस्सा ही टैक्सेबल बेस में शामिल था, लेकिन 2047 तक इनका हिस्सा 78% पर पहुंच जाएगा, और लगभग 56 करोड़ लोग टैक्सेबल बेस के दायरे में आ जाएंगे। तो अब आप जान चुके हैं कि यही है वो मिडिल क्लास जो देश में प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड पर चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये मिडिल क्लास कौन कौन से महंगे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। चैप्टर 2, ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन।
देखिए इस क्लास की सबसे बड़ी खूबी है पैसे कमाना और उसे खर्च करना। ये जिस रफ्तार से पैसे कमाते हैं उसी रफ्तार से उसे खर्च भी करते हैं। और देखो केवल रोटी कपड़ा और मकान पाने से कोई शख्स मिडिल क्लास में नहीं आ जाता। इस कैटेगरी में शामिल होने के बाद वो अपनी जरूरतों, सुविधाओं और ऐसो आराम की चीजों पर भी पैसे खर्च करने लगता है। तो आज की जो योलो जनरेशन है ना, प्रीमियम आइटम्स को लेकर इसकी भूख बढ़ती जा रही है और उसकी इस भूख को पूरा करने में बड़ी बड़ी कंपनीज भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में आपस में होड़ मची हुई है कि इस जनरेशन को कैसे वो अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सकती है। इसलिए तमाम कंपनियां एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट पेश करने में लगी हुई है और नए नए लग्जरी आइटम्स को देखकर आज के कंज्यूमर का मन भी मनचला बन गया है। अब मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए ये कंपनियां कई तरह से मौके बना रही हैं। अब मान लीजिए कि किसी की सैलरी अगर 40,000 रुपए है और उसे 50,000 रुपए का कोई ऐसे खरीदना हो तो कंपनियां ब्याज फ्री लोन का कॉन्सेप्ट ले आई है। इसमें ईएमआई पर, कम इंटरेस्ट पर या फिर बिना इंटरेस्ट के धीरे धीरे पैसे चुकाए जा सकते हैं। और आजकल छोटी बड़ी सभी कंपनियों में ईएमआई का चलन बढ़ रहा है और देश की मिडिल क्लास फैमिली ही इस सुविधा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। आज के समय में आप ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर शहर के किसी बड़े से बड़े मॉल को भी देख लीजिए या छोटी मोटी दुकानों को भी देख लीजिए, ये सब कुछ मिडिल क्लास पर ही डिपेंड करती है। अब यहाँ तक कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी नजर भी भारत के इसी मिडिल क्लास पर लगी हुई है। अब प्रीमियम कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं तो उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्स के बारे में। देखिए घर में फोर व्हीलर को होना एक सोशल स्टेटस का सिंबल माना जाता है और जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं वो इसी स्टेटस को ऊपर उठाना चाहती है। 2023 में भारत के ऑटो सेक्टर में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिला और जापान से भी ज्यादा गाड़ियां भारत ने बेच डाली। कंसल्टेंसी जाटो डायनेमिक्स ने बताया है कि महंगी गाड़ियां यानी कि 7.5 लाख रुपए से लेकर 22.5 लाख रुपए तक की कीमत की जो गाड़ियां है ना उनकी बिक्री 2021 में 44% से बढ़कर 2022 में 53% पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर जो 7.5 लाख रुपए से कम कीमत की गाड़ियां है ना उनकी बिक्री गिरती जा रही है, यानी कि महंगी गाड़ियां ज्यादा बिक रही है। अब कंज्यूमर्स के इस डिमांड को देखते हुए ऑटो कंपनीज भी बहुत सारे ऑप्शंस की भरमार कर रही है और प्रीमियम कैटेगरी के ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अब जैसे कि मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मीडिया बातचीत में कहते हैं कि उन्होंने सितंबर 2022 में एसयूवी ग्रैंड विटारा लॉन्च की जिसके टॉप वेरिएंट की कीमत एक्स शोरूम थी 20 लाख रुपए और मात्र एक साल के अंदर ही उस वेरिएंट की 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियां बिक गई थी। अब इसी मार्केट को भांपते हुए टाटा मोटर्स ने भी पिछले साल ही अपनी सफारी और हैरियर एसयूवी के अंदर कई नए वेरिएंट लॉन्च किए जिनकी कीमत करीब 15 लाख से लेकर 16 लाख रुपए के बीच में थी। यानी कि आज के जो मिडिल क्लास है वो बेहतर टेक्नोलॉजी और ट्रेंडी डिजाइन के प्रोडक्ट की चाहत रखती है और इसके लिए वो जितना सही है उतना पेमेंट खर्च करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसा ही ट्रेंड टू व्हीलर वाहनों में भी देखने को मिल रहा है। जो नॉर्मल एंट्री लेवल की बाइक है यानी कि 75 से 100 cc की बाइक है उनकी बिक्री में गिरावट आई है। वहीं प्रीमियम कैटेगरी यानी कि 150 cc से ऊपर की बाइक की बिक्री में ग्रोथ हुई है। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स की। देखिए इस सेगमेंट में किसी अन्य कैटेगरी की तुलना में प्रीमियम प्रोडक्ट अपनाने का ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है। लोग ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं जो उनके जीवन को आसान बना सकते हैं। देश के सभी क्षेत्रों में रिटेलर्स की रिपोर्ट बताती है कि टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ग्लास स्क्रीन टेलीविजन और इन्वर्टर, एयर कंडीशनर जैसे सामान की बिक्री बढ़ रही है। अब जैसे हम रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की बढ़ी हुई बिक्री को देखें तो उसमें 50% लोग अपने पुराने आइटम से ही इसको रिप्लेस कर रहे हैं और नए आइटम्स में फोकस किया जा रहा है हाई कैपेसिटी पर, नई टेक्नोलॉजी पर और दिखने में शानदार लुक भी उनको चाहिए ही चाहिए। रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा डिमांड 550 और 670 लीटर कैपेसिटी वाले मॉडल की रही है। 2020 से लेकर 2023 के बीच में फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की बिक्री 35 से 40% बढ़ी है जबकि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की बिक्री सिर्फ 7 से 8% ही बढ़ी है। वहीं वॉशिंग मशीन में भी ऑटोमेटिक और फ्रंट लोडिंग मशीनों की बिक्री लगभग 40% बढ़ी है। यानी ये आंकड़े देखकर हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसके खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ी है। अब जैसे पुराना टीवी खराब होने पर उसे रिपेयर कराने के बजाय वो नया, बड़ा या फिर स्मार्ट टीवी लेने के सोचेगा। यानी कुल मिलाकर सुविधाओं को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ाना और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना ये मिडिल क्लास का प्रमुख गुण है। आज की मिडिल क्लास को जो चीज कर रही है वो है बेहतर टेक्नोलॉजी जिसमें वो केवल अपने स्मार्टफोन से ही टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, होम ऑटोमेशन सिस्टम हो, पावर प्लग हो, पंखे हो या फिर डोरबेल हो, इन सभी को स्मार्टफोन के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं।
ऐसे ही आप देखिए कि स्किन केयर, फैशन केयर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, उनमें भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ रही है। अब इन सब चीजों के बढ़ने का एक कारण ये भी है कि आज के समय में इंटरनेट और ई कॉमर्स की पहुंच देश के हर कोने कोने तक हो चुकी है। और दूसरी चीज जो हमने पहले बात की कि फिनटेक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक हो गया, तो यहां से इन चीजों को आसानी से फाइनेंस कराना मुमकिन है। कंपनी जब इंटरेस्ट फ्री ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे रही है तो उससे कंज्यूमर बेहतर कैपेसिटी वाले प्रोडक्ट्स खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। इंडस्ट्री लेवल्स की रिपोर्ट बताती है कि एसी, रेफ्रिजरेटर और टॉप लोड मशीनें जैसे करीब 40% हाई एंड प्रोडक्ट से फाइनेंस पर ही खरीदे जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। तो देखिए, स्मार्टफोन के मार्केट में कंपनी ने आजकल एक ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि हर किसी को महंगा स्मार्टफोन ही चाहिए। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2023 में 4.4 करोड़ के कुल शिपमेंट साइज के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन यानी कि जिनकी रेंज 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक होती है, उनकी बिक्री पिछले साल की तुलना में 52% बढ़ी है। इनमें आईफोन 13 और 14, गैलेक्सी S23 और मोटो रेजर 40 ये सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। फिर आते हैं मिड प्रीमियम फोन यानी जिनकी रेंज 33,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच की है। इस सेगमेंट में भी साल दर साल 37% की बढ़ोतरी हुई है और पूरे स्मार्टफोन मार्केट में इनकी हिस्सेदारी केवल 5% है। और जो आम बजट सेगमेंट है यानी 8,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक की रेंज, इसी सेगमेंट में साल दर साल 14% की गिरावट दर्ज की गई है और इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 44% है। यानी आप देखें तो प्रीमियम कैटेगरी का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए फोन कंपनी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो अब 2-4 वर्जन अपग्रेड करने के बजाय 4 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट और 1 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे रहे हैं। तो जो यूजर प्रीमियम स्मार्टफोन खरीद रहा है वो उसे 40 से 44 महीनों तक यूज कर सकता है, जबकि एक बजट स्मार्टफोन यूजर उसे केवल 36 महीने तक ही यूज कर सकता है। और अब बात करते हैं ट्रेवल सेक्टर की, जिस शब्द की हमने पहले बात की है, योलो यानी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसी तर्ज पर आज की जनरेशन छोटी मोटी छुट्टियों में ही जिंदगी को पूरी तरह से जी लेना चाहती है। लोग घूमने फिरने के लिए लंबे लंबे वीकेंड्स का इंतजार कर रहे हैं और कभी कभी तो वीक में ही घूमने निकल जाते हैं। अब मेक माई ट्रिप का एक डेटा है कि हॉलीडे पैकेज के लिए औसत टिकट की कीमत डोमेस्टिक मार्केट में 10-15% और इंटरनेशनल मार्केट में 20-25% बढ़ चुकी है। और पहले जहां 30% टूरिस्ट ही 3-स्टार जगह पर घूमने के लिए जाते थे, अब यह आंकड़ा 40% पर पहुंच गया है। वहीं लगभग 60% लोग 4 या 5 स्टार होटलों में रूम बुक कर रहे हैं और वहां पर रुक रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो देश के अंदर जो प्रीमियम कैटेगरी के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो नई और महंगी चीजों पर पैसे खर्च करने पर कुछ भी संकोच नहीं कर रहे हैं। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये जो प्रीमियम का दौर अभी चल रहा है, क्या ये लंबे वक्त तक बरकरार रह पाएगा? तो देखो, कोरोना के बाद हमारे देश की इकोनॉमी अंग्रेजी के अक्षर के आकार में बढ़ रही है। मतलब ये कि शहरी इलाकों में तो तेज ग्रोथ हो रही है जबकि ग्रामीण इलाकों में अभी मंदी है। और उसका कारण है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से खाली हुई जगह को भर लिया है। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिसमें ग्रामीण मजदूर और अनस्किल्ड लेबर्स आते हैं, उनकी इनकम या तो कम हुई है या फिर उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। और हमने इन आंकड़ों में भी ये देखा है कि जो प्रीमियम चीजें हैं केवल उन्हीं में ही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो बाकी की आम बजट की चीजें हैं उनकी बिक्री या तो डाउन है या उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये जो प्रीमियम का ट्रेंड है, अगर इसे लगातार बरकरार रखना है तो इसके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बेस की जरूरत होगी। तो इसके लिए जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको भी फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करना होगा, तभी ये जो प्रीमियम का ट्रेंड है ये आगे लगातार बरकरार रह पाएगा। खैर दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर ऐसी और वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो ऐसी और भी काफी सारी वीडियोज बनाई हुई है जो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और आपके लिए ऐसी और रिसर्च वाली वीडियोज बनाते रहें तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।